आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक याद कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिएगा, हम लिखेंगे दिया गया बहुपद है, हमारे पास दिया गया बहुपद क्या है, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस बहुपद को हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, हमें क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। हमारा अचर पद और जो हमारा x स्क्वायर के गुणांक में है उसको और अचर पद का इंटू करना है, यानी कि 8 इंटू जो हमारा अचर पद है, यानी कि x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो हम क्या कर समझेंगे कि हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 इंटू 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लाना है, ऐसा जोड़ना या घटाना ऐसा है कि हमारे पास क्या जाए, माइनस 2 इंटू में क्या है, हमारे पास 8 आए। तो हमें पता है 8 एकम 8 होता है और 4 दूनी 8 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, 8 इंटू 1, तो हमारे पास 8 इंटू 1 है। तो जब हम 8 माइनस 1 करेंगे तो क्या हमारे पास माइनस 2 आएगा, क्या नहीं आएगा, इसलिए हम नहीं कर सकते। सेकंड देखेंगे, 4 इंटू 2 है, 4 इंटू 2 है, तो इसका इंटू करेंगे तो हमारे पास 8 आ रहा है। क्या हम प्लस करेंगे, क्या हमारे पास माइनस 2 आएगा, क्या प्लस करने पर क्या आ रहा है हमारे पास 6, तो ये नहीं आ सकता। लेकिन जब हम क्या लाना है, माइनस 2 लाना है, माइनस 2 लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी बड़ी संख्या है उसमें हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये प्लस वैसा का वैसी रहेगा 2। जब हम इसका माइनस 4 में से प्लस 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2, यानी कि हमारा आ रहा है यहाँ पर माइनस का 2, और इंटू करने पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस 4x प्लस क्या जाएगा, 2x। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब हमने इन दोनों का इंटू करेंगे तो 8 आ रहा है, जब हम माइनस या प्लस करते हैं तो हमारे पास माइनस 2 आ रहा है। तो जब हमने इसका माइनस किया है, माइनस 4 प्लस 2 बराबर माइनस 2 आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x प्लस 2x। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर x लगाना है ना, क्योंकि ये x में है, तो हम यहाँ x लगाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। जब हमने यहाँ पर किया है तो क्या आ रहा है, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। जब हम इसको सॉल्व करें, अब इसमें से कितने पद बन गए हमारे पास, 1 2 3 4 पद बन गए, तो हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन निकालें। पहले तो इसमें से निकाल लेते हैं, इसमें से फिर इसमें से निकालेंगे। तो जब हम इसमें से निकालते, दो दो के जोड़े बना लिए हमने, दो दो के जोड़े बनाएंगे, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम x कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो यानी कि 2x है, तो हमने x x कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस, यहाँ पर x कॉमन निकल गया तो ओनली 4 बचा, प्लस यहाँ से हम 2 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 4। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकलेगा, x माइनस 4, तो यहाँ पर x माइनस 4 कॉमन निकालेंगे, और फिर हमारे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2। ये हमारे गुणनखंड निकल गए हैं। गुणनखंड को हम क्या करेंगे, जब हमारे पास शून्यांक याद करने के लिए गुणनखंड निकल गए, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या याद करना है, शून्यांक याद करना है, तो हमें किसके इक्वल टू लेना पड़ेगा, 0 के इक्वल टू लेना पड़ेगा। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, जब हम इसका इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का है तो वो प्लस का आ जाएगा 4, या ये हमारे पास प्लस का है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का, x इक्वल टू माइनस 2। हमारे पास ये दो क्या निकल गए, शून्यांक निकल गए हैं हमारे पास दो।
अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच करेंगे, जांच हमारे पास सत्यता की जांच करने का बोला है, तो अब हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, उनको याद करना पड़ेगा। देखिएगा फार्मूले, हमारे पास पहला फार्मूला क्या है, क्या है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में, ये भी लिख सकते हैं। और शून्यकों का योगफल यानी कि माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए भी लिख सकते हैं। और अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये भी लिख सकते हैं। देखिएगा हमें जाँच करनी है, तो हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल लिखेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर क्या है, हमारे पास शून्यकों का योगफल माइनस एक्स, ये आपको याद करना पड़ेगा, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिएगा अब शून्यकों का योग, हम इसको अल्फा या बीटा भी बोल सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस बी अपॉन में ए। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि क्या जाएगा, शून्यकों का योग बराबर क्या जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए, ये भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग यानी हमारे पास क्या है, फोर प्लस माइनस टू। तो हम क्या लिखेंगे, फोर प्लस माइनस टू इक्वल टू यही का यही लिखेंगे। हमने लिख दिया माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम इनको करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस फोर माइनस टू इक्वल टू वही का वही लिखेंगे। हमने लिखा है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब फोर माइनस टू माइनस करेंगे, फोर माइनस टू यानी फोर में से माइनस टू ज्ञात कितना बचा, टू, बराबर क्या लिखेंगे, वही का वही माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस को इस साइड पक्षांतर कर देंगे, इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, या हम बटे में वन भी लिख सकते हैं। तो हम यह क्या आ जाएगा, माइनस टू डिवाइडेड बाय वन बराबर एक्स का वही का वही लिखेंगे, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या हमारे पास x का गुणांक माइनस टू है, जांच करेंगे। हमारे पास यहाँ क्या है, x का गुणांक में माइनस टू है यानी कि हमारा सही है। सेकंड करते हैं, अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल गुणनफल क्या होता है, हमारा शून्यकों का गुणनफल हम अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए भी बोल सकते हैं। और हम लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हमारे पास शून्यकों, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए, ये हमारा शून्यकों का गुणनफल होता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास शून्यकों का गुणनफल, हमको पता है फोर इंटू माइनस टू है, अभी पढ़ा है हमने, फोर इंटू माइनस टू आ जाएगा गुणनफल, बराबर वैसा का वैसे ही लिखेंगे, अचर राशि, हमने लिखा अचर राशि अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटू करेंगे तो क्या जाएगा, फोर इंटू माइनस टू यानी कि क्या जाएगा, माइनस एट। यहाँ पर हम अपॉन में क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, लिखेंगे अचर राशि डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन में क्या अचर राशि हमारी माइनस एट है और एक्स स्क्वायर का गुणांक वन है,
यहाँ क्या है, हमारी अचर राशि -8 है और हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। यहाँ पर भी हमने क्या किया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और हमारा एक्स का गुणांक क्या था -2। यहाँ पर भी क्या हुआ आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और एक्स का गुणांक -2 और अचर राशि आपकी -8 है। तो ये हमारी क्या हुआ, जांच हमारी कैसी है, सत्य है। थैंक यू।